हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वादी मस्तान का परचम कुशाई के साथ उसरा शुरू। वादी मस्तान हजरत सैयद ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल उर्फ मस्तान बाबा अलैहि रहमान का 4 दिवसीय 21वां उसरा का रविवार को परचम कुशाई की रस्म के साथ आगाज हुआ। मस्तान बाबा ट्रस्ट नायब सदर मजीद खान ने बताया कि आज बाद नमाज असर मोहल्ला मल्ला तलाई की ओर से परचम कुशाई का जुलूस मस्तान बाबा दरगाह पहुँचा, जहाँ अकीदमंदों की मौजूदगी में परचम कुशाई की रस्म अदा की गयी। दरगाह ख्वाजा गरीब अजमेर से लाई गयी चादर शरीफ बाबा साहेब के आस्थाने पर पेश की गई। आस्थाने पर इस बार 6 किलो चांदी से बना ताज भी पेश किया गया। परचम कुशाई के बाद अल्लाह हजरत मौलाना हाफिजो कारी मुख इसाक राजनगर राजसमंद की मौजूदगी में उसरे की कामयाबी व मुल्क की खुशहाली की दुआएं की गई। ट्रस्ट की ओर से अजमेर दरगाह से तशरीफ लाए खादिमों की दस्तारबंदी की गई। अकीदमंदों की ओर से चादरें व फूल आस्थाने पर पेश किए गए। ट्रस्ट की ओर से जायरीनों को लंगर बांटा गया, जो चारों दिन जारी रहेगा। बाद ईशा महफिल मिलाद हुई। इस 4 दिवसीय उसरे में जायरीनों का आना शुरू हो गया है। उसरे के दूसरे दिन 5 नवंबर को बाद नमाज असर महफिले मिलाद नाखतवानी होगी। बाद नमाज मगरिब महफिले समा रात 11 बजे तक जारी रहेगी। 6 नवंबर को विभिन्न मोहल्ले से चादर जुलूस आस्थाने पर पहुंचेगा। उसरे का समापन 7 नवंबर को कुल की फातिहा के साथ होगा। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।